जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर। बच्चे आपका 3 एक्सरसाइज है, आपके 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जज्व नंबर बच्चे 4 हल करने वाले हैं। तो ये आपके बच्चों मालूम क्या करना है, वो है तीसरा मुतनासिब। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसको फर्ज कर लेना है, तीसरे मुतनासिब को फर्ज किया कि तीसरा मुतनासिब एक्स बच्चों इसमें पहले दिया गया, इसलिए बच्चों यहाँ पे एक्स फर्ज नहीं कर लेंगे, हम ए फर्ज कर लेते हैं। चाहे बच्चों आप जेड फर्ज कर लें, चाहे आप वाई भी फर्ज नहीं कर सकते क्योंकि पहले एक्स वाई आ गया, तो इसलिए बच्चे आपने नहीं करना, अदरवाइज कोई वजह नहीं है। ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, डी कर लें, सी कर लें, जो बच्चों मर्जी डब्ल्यू कर लें कर सकते, लेकिन एक्स वाई इसमें फर्ज नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही रकम के अंदर आ गया है। तो बच्चों अब हम इसको हल करते हैं, बड़े आसान बच्चों। आपका क्वेश्चन एक्स माइनस वाई आपका होल का स्क्वायर दिया गया, निस्बत की अलामत आपने लगानी है और दूसरी रकम बच्चों आपके पास जो होती है उसको आपने तनासब के बाद दोबारा लिख देना है। एक्स का मुकाब माइनस आपके पास है बच्चों वाई का मुकाब, और इसके बाद बच्चों आपने जो तीसरा मुतनासिब फर्ज किया है इसको आपने लिख देना है चौथी जगह पर। अंदर वाले दोनों रकमें बच्चे आपके वस्तैन होते हैं, जबकि बाहर वाली रकमें आपकी क्या है मतलब वो तरफ है। ये वाले बच्चे आपके वस्तैन है और ये बाहर वाली दोनों रकमें ए और ये वाले बच्चे आपके हैं वस्तैन। तो बच्चों आप यहाँ पे फार्मूला लगा दें, वस्तैन का हासिले ज़रब ये बच्चे बराबर आपके होता है तरफैन के हासिले ज़रब के, तो ये भी बच्चों लिखना लाजमी, आपने फार्मूला लाजमी लिखना है। लेकिन चाहे आप तरफैन दाएं तरफ लिखे चाहे बाएं तरफ लिखे, तरफैन इस तरफ लिख सकते हैं, वस्तैन इस तरफ लिख सकते हैं, ये कोई बच्चों को कोई रूल नहीं है। अब बच्चों ए मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल के स्केयर से। ब्रैकेट का बच्चों आपने खास ख्याल रखना, अगर ब्रैकेट यहाँ पे आपने ना लगाई या ये होल के स्केयर के ऊपर ही मुरब्बा लगाना है, किसी एक वाई के ऊपर मुरब्बा लगा दे बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि अंदर वाली बच्चों आपके रकमे वो है एक्स का मुकाब माइनस वाई का मुकाब, ये वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि आपकी है वस्तैन एक्स का मुकाब माइनस वाई का मुकाब। हमने कीमत बच्चों निकालनी है एक ही, तो इस रकम का हम कर देते हैं खत्म, यानी दोनों तरफ हम कर देंगे तकसीम ए इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, इसको बच्चों हम कर देंगे दोनों तरफ। ब्रैकेट बच्चों यहाँ पे पटे में भी आपने लाजमी लिखनी है, और इस तरफ दाएं तरफ आपका एक्स का मुकाब माइनस वाई का मुकाब इंटू एक्स का मुकाब माइनस वाई का मुकाब, इस तरह बच्चों जो अमल आपने लेफ्ट साइड पे किया राइट साइड पे भी आपको वही अमल करना पड़ेगा। तो इस तरह बच्चों आपका ये वाला आ जाता है। तो ये बच्चों आपने दो छोटा बन करके ही लिखना है क्योंकि ये पावर है, तो ये वाले बच्चे आपके कैंसिल हो जाएगी। अब बच्चों हम कर चलते हैं राइट साइड को हल करते हैं, तो राइट साइड बच्चे आपका लिखा है फार्मूला, आपने फार्मूला बोला ये वाला आपका मुकाब का फार्मूला है, वो आपने एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर जमा का एक्स वाई और जमा बच्चों आपके वाई का स्क्वायर, एक आपके ये फार्मूला। अगला भी इस तरह आपने फार्मूला खोल लेना है और वो आपको बच्चों आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का बच्चों आपका आ जाएगा वाई का स्क्वायर। आप बटे में आ जाए, बटे में बच्चों आप चाहे फार्मूला खोलें, दो दफा है एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि बच्चों एक जैसी रकमें आप उसे मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका मुरब्बा लिखा होता है, तो बच्चों को एक जैसी रकमें है उसको हम दो दफा लिख सकते हैं। अब एक्स माइनस वाई एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच्चों आपके पास बच गए एक्स का स्क्वायर जमा का एक्स वाई और ये आपका है वाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर जमा के एक्स वाई जमा का बच्चों आपके पास है वाई का स्क्वायर। अब बच्चे देखें तो ये आपके पास दो एक जैसी रकमें हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम इसका मुरब्बा भी इकट्ठा दोनों का होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये बच्चों आपका होल का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह बच्चों ये आपकी एक ही कीमत है और ये बच्चों आपने एक को फर्ज किया तीसरे मुतनासिब के, और ये बच्चों आपका तीसरा मुतनासिब एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, उसके होल ब्रैकेट के ऊपर बच्चों आपने मुरब्बा लिखना है क्योंकि एक जैसी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।